प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पौधरोपण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में पीपल के पौधे लगाए जा रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय में 1000 से अधिक पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर 21 पीपल के पौधे लगाए जा रहे हैं। पूर्व में भी विश्वविद्यालय परिसर में 104 पीपल के पौधे लगाए जा चुके हैं। इस दौरान पौधरोपण कार्यक्रम में प्रोफेसर ओपी पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर विनय कुमार सिंह, प्रोफेसर अजय शुक्ला, प्रोफेसर उमेश नाथ त्रिपाठी, डॉक्टर केशव सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र मधुकर, मीडिया सह प्रभारी दीपेंद्र मोहन सिंह एवं डॉक्टर रुचिका सिंह, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर कपेंद्र, कुलसचिव डॉक्टर ओम प्रकाश, वित्त अधिकारी धर्मेंद्र प्रकाश त्रिपाठी, विश्वविद्यालय अभियंता श्रवण कुमार समेत विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक और अधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, चलो मिट्टी को चिंतामणि पानी हजारा तो आप पानी डाल दिए सर, पानी डाल दीपेंद्र। देखिए आज जैसा कि महामहिम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आदेश दिया था कि सभी को पीपल के वृक्ष लगाने हैं, तो सभी ने अपना अपना टारगेट सभी यूनिवर्सिटियों ने दिया था। हम लोग ने 1000 पौधों का टारगेट दिया है सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, जो कि सबसे ज़्यादा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में लग रहा है वो 1000 से कम है, किसी में 300 है, 400 है, 500 है, तो हम लोग ने देख के दिया था। लगभग 1000 से ज़्यादा ही होगा, शाम तक आपको रिपोर्ट करेंगे। रजिस्ट्रार साहब ज़रा देखिएगा सारे कॉलेजेस से पता करके, तो एक प्रेस रिलीज जारी करिएगा किए, तो उस पर हम लोग लगे हैं। यहाँ पे लगभग कैंपस में हमारे 21 पौधे हम लोग लगाएंगे और 104 वृक्ष पीपल के पहले ही हमारे परिसर में लगे हुए हैं।